सुखद दिन है और मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि मेरे शरद जी से बहुत ही नजदीकी रिश्ते रहे। जब 86 में वो राज्यसभा में आए थे तो मुझे याद है कि नेताजी ने कहा कि वहाँ इटावा बोर्ड बनवा दो, क्योंकि उस वक्त जिस राज्य से आना है उसी राज्य का मतदाता होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन अगले दिन होना था, उसी दिन बनना था वोट। खैर SDM के पास मैं गया तो उन्होंने कहा कि उसमें प्रक्रिया में बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा शरद जी को तो राज्यसभा में भेजना है, इसमें कुछ जो कर सकते हो तो करो। तो उन्होंने कि तो आप मत कहिए कि वोट नहीं है। उन्होंने वोटर लिस्ट मंगाई जिसमें मेरे घर वाला जो था उसमें आखिरी नंबर के आगे 772 था, तो 773 हाथ से लिखा, शरद यादव पुत्र नंद किशोर उम्र लिख के सर्टिफाइड कॉपी हमें दे दी कि जाइए नॉमिनेशन करवाओ जाके। तो हमारे घर से पहला पता उनका जो था राज्यसभा का वो हमारा ही था, 46 से प्रिंस कॉलोनी इटावा का। और इसके अलावा ये आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे संघर्षशील लोग हैं ही नहीं। स्टूडेंट लाइफ में आप में से बहुत लोग पुराने लोग जानते होंगे कि शरद जी के सारे हाथ पैर पुलिस ने तोड़े जी, बताते थे सारे, लेकिन कभी उन्होंने पीछे हटे नहीं। और राज्यसभा और लोकसभा में आप लोग देखा होगा, जब तक ये लोग रहे शरद जी, एक वक्त तो शरद जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी तीनों जो हुआ करते थे तो संसद की कार्यवाही भी देखने लायक होती थी, संसद जीवंत रहती थी। हमारे साथ हमारे बगल में ही राज्यसभा में शरद जी के बगल में ही मैं बैठता था पहली रो में, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अपने किसी भी मुद्दे को अगर मैंने उठाया होगा तो शरद जी ने मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़कर हमारे उस इशू का समर्थन किया। हम लोग लगभग एक ही उम्र के थे, शरद जी हमसे एक साल छोटे थे, लेकिन दुखद है देश की राजनीति में इस तरह के संघर्षशील लोगों की बहुत ज़रूरत है जो अब कम ही होती जा रही, क्योंकि इस वक्त तो कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। तो जो हिम्मत करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे जा रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत ही दुखद बात है और पूरे समाजवादी परिवार के लिए, सोशल जस्टिस के लिए सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शरद जी ही थे। तो इस तरह के लोगों का जाना देश की बड़ी आबादी के लिए भी बहुत दुख की बात है। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आए हैं।